हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ श्रुति और आपके सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी से एक टॉपिक एन एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स लेकर इस वीडियो में आई हूँ एक बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है इसको हम काफ़ी इजीली डिस्कस कर लेंगे सो वाटर फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन को हम ड्रग पॉल्यूशन भी कहते हैं दैट इज पॉल्यूशन ऑफ द एन्वायरमेंट विद फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स विच रीज़ द एक्वेटिक एनवायरमेंट ग्राउंड वाटर रिवर्स लेक्स एंड ओशंस थ्रू वेस्ट वाटर ड्रग पॉल्यूशन इज मेनली अ फॉर्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन जो पॉल्यूशन है जो प्रदूषण है हमने बहुत प्रकार के प्रदूषण के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं नॉइस पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ये जो प्रदूषण है जब ये प्रदूषण किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की वजह से होता है ऐसा प्रदूषण को फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन कहते हैं या फिर ड्रग पॉल्यूशन कहते हैं जो ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ में बन रहे हैं या फिर उनके जो बायो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं मेटाबोलाइट्स हैं वो क्या होते हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है किसी भी आसपास के जो भी पानी का स्रोत है वहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है ज़्यादातर या फिर उसे जब हम उन लोग हैंडल करते रहते जब उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है उस वक्त या फिर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में ये सारे मिलकर जो ड्रग्स से होने वाले जो पोल्यूशन है उसको हम फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन कह रहे हैं तो सोर्सेज ऑफ हज़ार्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से स्रोत कैसे कैसे जो पोल्यूटेंट्स है वो किस प्रकार से हमारे वातावरण में एनवायरनमेंट में फैल सकता है पहले जो सोर्स है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मूलेशन इंस्टॉलेशन जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट है हैंडलिंग एंड स्टोरेज जहाँ पर उस ड्रग प्रोडक्ट को स्टोर किया जा रहा है जो गोडाउन है या वेयर हाउज हैं वहाँ पर या फिर जो शिप जो डॉकयार्ड्स रहते हैं जो जहाँ पर समुद्री जहाजें रुकती हैं वहाँ पर भी स्टोरेज का आ, फैसिलिटी रहता है तो वहाँ पर इन ड्रग प्रोडक्ट्स को हैंडल करते वक्त या स्टोर करते टाइम ड्रग स्पिल कर सकता है उसमें पैकेजिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ से वो केमिकल एनवायरनमेंट में मिल सकता है ये हो गया हैंडलिंग एंड स्टोरेज उसके बाद जब वो ड्रग प्रोडक्ट जो है जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उस वक्त भी चांसेस हैं कि ये ड्रग प्रोडक्ट्स या इसके जो हार्मफुल जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगे नेक्स्ट है एमिटेड पॉल्यूटेंट्स एमिटेड पॉल्यूटेंट्स काफ़ी सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि गैशियस फॉर्म में हैं जब कोई भी ड्रग फॉर्मुलेट होता है किसी आ, इंडस्ट्री में तब उस जो भी केमिकल का कर, रिएक्शन करवाते हैं उस वक्त कई दौरान ऐसे हार्मफुल गैसेस बनते हैं जिनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ट्रीट नहीं करती हैं और उन्हें डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देती हैं तो ऐसे जो एमिटेंट पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी सोर्स ऑफ हैजार्ड बनते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए नेक्स्ट है एफ्लुएंस एफ्लुएंस का मतलब हो गया इसमें फ्लूड वर्ड छुपा हुआ है फ्लूइड से मतलब होता है लिक्विड जो भी लिक्विड वेस्ट है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से निकल रही है जब वो डायरेक्ट किसी पा, पाइपलाइन के थ्रू होते हुए डायरेक्ट इंटेंशनली जानबूझकर किसी नदी में या फिर किसी तालाब में उसे बहा दिया जाता है उसे हम फार्मास्यूटिकल एफ्लुएंट कहते हैं और जो सिक्स पॉइंट है वो है नेचुरल कैलामिटीज़ मान लीजिए कहीं पर ये फेस्ट को फार्मास्यूटिकल वेस्ट को कहीं पर डम करके रख दिया गया है और कुछ नेचुरल कैलामिटी होती है जैसे फ्लड आ गया कहीं पर तो वो जो फ्लड है वो सारा का सारा जो कचरा है फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट है उसको साथ अपने लेते जाएगा जिससे वाटर पोल्यूट हो जाएगा तो ये छह मेन सोर्सेस ऑफ हैजार्ड्स हैं इसके अलावा भी काफ़ी सारे सोर्सेस रहते हैं तो पहला सोर्स है मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन इंस्टॉलेशन सेकेंड हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस केमिकल इंक्लूडिंग वेयर हाउसेज़ गोडाउंस टैंक फॉर्म्स इंपोर्ट्स फ्यूल डिपोजिट्स एंड डॉक्स जैसे कि मैंने कहा कि वेयर हाउस मतलब जहाँ पर भी इन ये जो ड्रग जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाँ जहाँ पर स्टोर होते हैं जहाँ पर उनको रखा जाता है मार्केट में जाने से पहले कहीं पर इनकी पहले स्टोरिंग होंगी वहाँ से वह मार्केट जाएगा और जाएगा कैसे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या तो वो रास्ता रोड बाय रोड जाएगा रेलवेज के थ्रू जाएगा या फिर प्लेन थ्रू जाएगा या फिर वाटर थ्रू जाता है जैसे काफ़ी काफ़ी पा, सारे पानी के जहाज ऐसे डिपोर्ट होते हैं जिनमें ड्रग्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसमोट ट्रांसपोर्ट करते हैं ठीक है फोर्थ पॉइंट है एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स है जो हार्मफुल गैसेस हम कह सकते हैं गैशे फॉर्म में जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पी एम टेन पी एम टेन का मतलब हो गया पार्टिकुलेट मैटर ऑफ टेन माइक्रोन्स और लेस पार्टिकुलेट मैटर वो जो पार्टिकल्स है मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स है या फिर कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स है सॉलिड पार्टिकल्स है जो हमारे एयर में हैं और जिनका जो साइज़ है वो टेन माइक्रोन या फिर उससे कम होता है ऐसे पॉल्यूटेंट्स या फिर वी ओ सी वी ओ सी से मतलब है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पता है कि काफ़ी सारे ड्रग फॉर्मुलेशन करते टाइम हम काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रयोग करते हैं जैसे कि मिथेनॉल डाइक्लोरोमीथेन, टॉलिन वगैरह जो कि हमें पता है कि एज हम एज हमें वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है पर इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही वो एटमॉस्फेयर जैसे आ, अगर उसकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं है उसको क्लोज़ नहीं रखा गया है तो वो जैसे ही एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा तो वैसे ही वो भाव बन जाता है वोलेटाइन नेचर का होता है तो वी कह रहे हैं तो ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो एयर में इमिट हो जाते हैं जब कोई ड्रग फॉर्मुलेट होता है तब उस दौरान जो भी केमिकल प्रक्रिया हुई रहती है उस दौरान ये सब हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होते हैं ठीक है नेक्स्ट है एफलुएंस एफ्लुंट्स रिलीज कु गो डायरेक्टली टू स्ट्रीम्स रिवर्स एंड लेक्स और अदर वाटर बॉडीज़ जैसे कि मैंने कहा कि जो डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू ये इंटेंशनली किया जाता है डंप कर दिया जाता है जो भी लिक्विड वेस्ट है वो फार्मासी फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो है वो इंटेंशनली वाटर बॉडीज़ जैसे कि नदी हो गया तालाब हो गया उसमें डंप कर दिया जाता है और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेचुरल क्लामिटी उसका भी मैंने बताया कि अगर जब मान लीजिए फ्लड आता है तो वो फ्लड साथ में अपने साथ वो गंदगी जो है फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो अगर कहीं पर डंप है तो उसको वो साथ लेते हुए जाता है ठीक है तो हज़ार कैटेगरीज इन इंडस्ट्रीज जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट है उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो मतलब उसके अगर प्रकार हम जानना चाहें तो वो इस पांच प्रकार के होते हैं इकोटॉक्सिक टॉक्सिक मतलब जो एनवायरमेंट को डैमेज करता हो कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक से संबंधित मतलब जो कैंसर का कॉज हो परसिस्टेंट मतलब अगर वो लंबे समय तक रह जाए एटमॉस्फेयर में हमारे एनवायरनमेंट में तो वो घातक हो सकता है बायो एक्यूबलेटिव मतलब मान लीजिए अगर कोई लिविंग क्रिएचर अगर गलती से उसके बॉडी में कोई प्रोडक्ट चले जाता है फुल फार्मास्यूटिकल वेस्ट चला जाता है उसके बॉडी में और वो जाके बॉडी में रह जाता है मान लीजिए कोई छोटा एनिमल है वो उस फूड या फिर किसी भी सोर्स के थ्रू वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उसके बॉडी में घुस गया फिर उस एनिमल को खाने के लिए कोई बड़ा एनिमल होगा तो ये क्या होता है जो फूड चेन है हमारा मतलब फूड चेन हमें पता है कि जो कंज्यूमर है जैसे कि सबसे पहला प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट होता है फिर प्लांट को जो खाते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं फिर उनको खाने वाले रहते हैं मतलब एक किसी ही इस फूड चेन के मेंबर में वो प्रोडक्ट अगर घुस जाता है जम एक्यूमुलेट मतलब होता है जमा होना अगर जमा हो जाता है तो वो पूरे फूड चेन को अफ़ेक्ट कर देता है ठीक है <coughs> और जैसे फिफ्थ पॉइंट है डिज़ास्टर्स ड्यू टू कैटास्ट्रॉप जैसे अभी हमें पता है कि वल्चर गिद्ध की एक प्रजाति एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गई थी कुछ साल पहले कुछ दशक पहलो पहले तक उनकी आबादी खूब सारी थी पर अभी वो गिद्ध जो है वो काफ़ी कम पाए जाते हैं उनका कारण जो शोध करके पता लगाया गया था वो ये था कि जब ये गिद्ध मरे जो जानवर रहते थे उनको खाते थे जैसे गाय हो गई या फिर जो भी एनिमल्स जो पड़ा रहता है उसको खाते थे आके और ऐसे जो एनिमल्स है वो पहले कभी खाते वक्त या किसी भी थ्रू उन एनिमल्स के अंदर ये प्रोडक्ट चला गया रहता है अंदर ये जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट है जो टॉक्सिक केमिकल्स है उनके बॉडी में चला गया रहता है वो एनिमल जब मर जाता है और उन्हें आके जब वो गिद्ध खाता था इन एनिमल्स को तो तो ऐसे गिद्ध की जो आबादी है वो कम हो गई क्योंकि इस इन गिद्धों ने ऐसे जानवरों को खाया जिनमें जिन्होंने जिनके बॉडी में पहले से ऐसे हार्मफ़ुल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो गए थे जमा हो गए थे ओके तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता क्या है जैसे कि कोई भी दवाई जो एक्सपायर कर गई हो या फिर ऐसी दवाई जो हमको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब तो की है पर हमने उसको यूज़ करना बंद किया वो चाहे घर में रखी पड़ी हो या फिर जो भी उपकरण है जैसे सीरिंज इंजेक्शन वग़ैरह ट्यूब्स आ, जो भी कंटेनर है बॉटल की जो और दोबारा कभी यूज़ नहीं हो सकती है ऐसे सारे जो वेस्ट है उनको सब को मिला के हम फार्मास्यूटिकल वेस्ट कहते हैं तो वॉट इज़ अ फार्मास्यूटिकल वेस्ट एक्सपायर्ड और अनयूज ड्रग्स ठीक है जो एक्सपायर कर गई हैं वैसे ड्रग्स वैक्सीन एंड सेरा नॉट कैप्टड कोल्ड हमें पता है कि वैक्सीन्स को हमेशा कूल cool टेम्परेचर में रखना चाहिए अगर वो कूल cool टेम्परेचर में नहीं रहेगी जब वो कोल्ड cool कंडीशन में नहीं रहेगी तो ये जो वैक्सीन्स से है सेरा है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ठीक है केमिकल प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन यूज टू मेक प्रप्रेशन और टू एनालाइज दम ऐसे केमिकल्स जो इन फार्मास्यूटिकल वेस्ट प्रोडक्ट को बनाने के समय या फिर उनको एनालाइज करने के समय यूज़ की जाती है इसके अलावा कुछ लिक्विड जैसे कि अल्कोहल हो गया ये भी फार्मास्यूटिकल वेस्ट की कैटेगरी में आएगा स्पेल कॉन्टामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे पैकेज है कोई ड्रग प्रोडक्ट किसी पैके पैकेजिंग में वो पूरा रैप है और मान लीजिए अगर पैकेजिंग में कुछ ब्रेकेज आता है तो जो प्रोडक्ट है वो स्पिल हो जाता है मतलब वो उस पैकेज से वो निकल जाता है इसके अलावा डिस्कार्डेड आइटम्स जैसे कि मैंने बोला कि सिरिंज हो गया या फिर ग्लव्स हो गया जो जैसे कोई नर्स या फिर मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स वगैरह जो ग्लव्स यूज करते हैं या फिर बॉटल बॉक्सेस कार्डबोर्ड बॉक्सेस ये सारे कुछ इवन कि कंप्रेस जो मास्क वगैरह रहते हैं ये सारे फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आते हैं ठीक है तो इन फार्मास्यूटिकल वेस्ट क्लास को हम आ, चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बल्क एंड ट्रेस केमिकल कीमोथेरापी वेस्ट हेज़ार वेस्ट नॉन हेज़ार वेस्ट फार्मास्यूटिकल्स एफ्लुएंस ओके बल्क एंड ट्रेस कीमोथेरेपी वेस्ट बल्क मतलब ज़्यादा ट्रेस मतलब कम तो ट्रेस कीमो ऐसे आ, कीमो पहले हम जान लेते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होता है कीमोथेरेपी ऐसे केमिकल या फिर एजेंट्स जो या फिर कोई भी ऐसा कंटेनर या कुछ भी ऐसा जो मटेरियल है जो कीमोथेरेपी के दौरान यूज़ होता है कीमोथेरेपी मतलब अगर कैंसर किसी को है तो उसके ट्रीटमेंट के दौरान जो ट्रीटमेंट चलती है उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं तो इसमें जो है ये जो इससे निकलने वाला जो वेस्ट रहता है उसे हम कीमोथेरेपी वेस्ट बोलते हैं ट्रेस कीमो जो होते हैं वो हेज़ारडस वेस्ट की कैटेगरी में नहीं आते और हमें हेज़ारडस वेस्ट का मतलब पता होना चाहिए कि हज़ारडस भी ऐसा वेस्ट होता है जो किसी के हेल्थ को किसी भी लिविंग बिंग क्रिएचर के हेल्थ को या फिर उसके जो आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म पहुंचाती है ठीक है उसके जेनेटिक जो मेकिंग uh, है उसको डैमेज करती है उसमें डिसीज़ फैला रही है किसी लिविंग बिंग में तो ये सारे जो कैटेगरीज हैं वो हा वेस्ट के अंडर आती है तो ट्रीस कीम ट्रेस जो कीमो रहते हैं उनको जब आ, उनकी जब जब डिस्कार्ड किया जाता है जब आ, तब उन्हें येलो कंटेनर्स में भरा जाता है और उनको जला दिया जाता है इंसिनरेटेड इंसिनरेटेड का मतलब है जला दिया जाता है जबकि की बल्क कीमो जो है वो हजारडस वेस्ट की कैटेगरी में आता है और इन्हें एच डब्लू कंटेनर्स मतलब हज़ारडर वेस्ट कंटेनर जो आपके आ, स्क्रीन में दिख रहा है ब्लैक कलर का ये है एच डब्ल्यू कंटेनर्स हजार्डस वेस्ट कंटेनर ऐसे कंटेनर्स में इनको भरा जाता है ठीक है नेक्स्ट कैटेगरी है फार्मास्यूटिकल हजार्डस वेस्ट कुछ दवाइयाँ हैं कुछ ड्रग्स हैं जो बेसिकली एक हार्मफुल केमिकल की कैटेगरी में आती हैं और उनका डोज जो है काफ़ी अगर एक डोज को क्रॉस कर जाए तो वो बहुत लीथल हो जाता है इसमें पी लिस्टेड, डी लिस्टेड, यू लिस्टेड ड्रग्स की कैटेगरी आती है जो आज अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है एपिनेफ्रिन, वारफरिन और इसके अलावा नाइन कीमोथरापिटिक एजेंट्स जो है ये फार्मास्यूटिकल हज़ारडस वेस्ट की कैटेगरी में आती है ये सारे ड्रग्स ठीक है तो एग्ज़ाम्पल्स ऑफ हज़ारडस ड्रग वेस्ट है अन और एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक साइटो साइटो से मीन सेल है ना साइटोटॉक्सिक वो चाहे एंटी कैंसर ड्रग हो जिन्हें हम एंटी न्यू प्लास्टिक न्यू प्लास्टिक मैं कैंसर से रिलेटेड जिसका एग्जाम्पल इंटरफेरॉन्स दिया हुआ है या फिर एंटी वायरल एजेंट्स ये सारे हज़ारडस ड्रग वेस्ट की कैटेगरी में आएंगे इसके अलावा पी एंड यू लिस्टेड ड्रग्स भी आते हैं जिसमें से पी लिस्टेड ड्रग्स और यू लिस्टेड ड्रग्स में से पी लिस्टेड ड्रग आपकी आ, बुक में दिया हुआ आपके सिलेबस में है उसके बारे में दिया हुआ है इसके अलावा जो हाईली टॉक्सिक ड्रग्स रहते हैं जैसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स एंटी इन्फेक्टेंट्स हॉर्मोन्स टॉक्सिन एनेस्थेटिक गैसेस नारकोटिक साइकोटिक सब्सटेंसेस मतलब मेंटल जो साइकिक जो ड्रग्स रहते हैं मेंटल हेल्थ के लिए ये सारे जो ड्रग्स हैं वो हेजारडस ड्रग्स की कैटेगरी में आएंगे ये कुछ है सामने इस ये है पी लिस्टेड ड्रग्स ओके नॉन फार्मा वेस्ट ऐसे फार्मावेज जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ही देन है पर वो हजार, नॉन हेजारडस रहता है मतलब वो किसी के हेल्थ को डैमेज नहीं करेगा या फिर एनवायरनमेंट में ऐसा कोई डैमेज नहीं करता है वो होते हैं जैसे कि ये जो इंजेक्शन है खाली जो कंटेनर है ये ग्लास के हो प्लास्टिक्स के हो ये सारे जो है वो नॉन हेजारडस की कैटेगरी में आते हैं ठीक है तो अनसील सिरप्स और आई ड्रॉप जिनको खोला ही नहीं गया हो या फिर एक्सपायर कर गए हैं पर वो सिरप है या फिर आई ड्रॉप्स के फॉर्मूलेशन है कोई क्रीम है ऑइनमेंट है या फिर कोई इंजेक्शन जो अनपैक मतलब अनसील है जिन्हें खोला नहीं गया है टैबलेट्स कैप्सूल सपोजिटरीज जो अनयूज हो गए जो अनयूज्ड आइटम्स हैं मेनली ये सारे नॉन हज़ारडस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आएंगे इसके अलावा नॉन टॉक्सिक केमिकल्स जो ड्रग फॉर्मुलेट करते समय जो एक्सीपिय यूज़ होते हैं जो नॉन टॉक्सिक नेचर के रहते हैं ऐसे केमिकल सॉल्ट सुगर्स ये सारे नॉन हज़ारडस फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंडर आएगा और इससे रिलेटेड फार्मेसी से रिलेटेड सॉलिड वेस्ट जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया पेपर हो गया ये सारे इसके अलावा आउटडेटेड डिस्कार्डेड ड्रग्स भी नॉन हज़ारडस फार्मास्यूटिकल वेस्ट के कैटेगरी के अंदर आएगा जो आउटडेटेड है या डिस्कार्डेड ड्रग्स है इसके अलावा डिसकन्टीन्यू मेडिकेशंस बाय पेशेंट मतलब पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है कुछ दिन बाद पेशेंट्स वो दवाइयाँ अगर नहीं लेता है तो वो दवाइयाँ क्या वो रखी रह जाती है घर में और एक समय आता है जब वो एक्सपायर कर जाती है तो ऐसे डिसकन्टीन्यूड मेडिकेशंस बाई पेशेंट्स ये सारे जो है ये नॉन हज़ारडज फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंडर आते हैं जो लास्ट कैटेगरी है वो है फार्मास्यूटिकल एफ्लुएंट्स एफ्लुएंट्स का मतलब फ्लूड वर्ड से लिक्विड वर्ड से रिलेटेड है मतलब ऐसे जो केमिकल जो फ्लूड नेचर के हैं जैसे कि कोई हैवी मेटल हो या फिर कोई कोई भी फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट है हेवी मेटल फिनॉस या फिर ड्रॉग्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको पानी में डिस्चार्ज किया जाता है पानी में पाइपलाइन के थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है और जि, जिसके कारण से वाटर पोल्यूशन होता है और वो नेचुरली वाटर फिर वो वाटर का तो काफ़ी सारे यूज़ है उसके इफेक्ट में उस हार्मफुल इफेक्ट में एनिमल्स से लेकर ह्यूमन बींग्स सारे कोई आ जाते हैं तो ये है फार्मास्यूटिकल एफ्लुएंट्स तो ये जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट दैट आर रिलीज इनटू वाटर एनवायरनमेंट्स वो कैसे कैसे रिलीज़ होते हैं वाटर में ड्रेनेज के थ्रू नाले के थ्रू ट्रैश कहीं पड़ा हुआ है तो आ, उसके थ्रू वाटर में वो विंड मूवमेंट हवा के मूवमेंट से हो सकता है या फिर एक्सक्रीशन जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं है ना वो जब हम जब हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है तो वो एक्सक्रीशन में Uh, बाकी सारे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ जो ड्रग्स की जो एक्मलेटेड ड्रग्स हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं वो भी uh, ड्रेन्स में मिल जाते हैं तो ये सारे जो वेस है इसके थ्रू वाटर पोल्यूशन हो रहा है ये था आपका एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉल्यूटेंट्स आई होप आपको समझ में आया थैंक यू